के वीर सपूत गौतम कुमार की भी जम्मू कश्मीर के पुंछ में शहादत हुई है। राजौरी पुंछ में आतंकियों से लोहा लेते हुए 28 साल के सेना के जवान गौतम कुमार शहीद हो गए। गौतम कुमार कोटद्वार के शिवपुर इलाके के रहने वाले थे और 11 मार्च को उनकी शादी होने वाली थी। सेना की तरफ से परिवार को सूचना दी गई, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। गौतम कुमार 2014 में गढ़वाल राइफल्स में भर्ती हुए थे और अभी आर्म्ड रेजिमेंट में तैनात थे। और चलिए सीधा रुख करते हैं कोटद्वार से। अनुपम भारद्वाज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनुपम, चूंकि आज शहीद का पार्थिव शरीर को लेकर भी कहा जा रहा था कि उनके जो पैतृक गांव है वो पहुंच जाएगा, और क्या ज्यादा जानकारी मिल रही है? देखिए सीनम, इस समय हम सिवपुर के उसी इलाके में मौजूद हैं जहां पर वो जो जवान है गौतम कुमार, उनका घर है। अगर आप तस्वीरों में देखें तो ये सामने उनका जो घर है वो दिख रहा है, और जो आसपास के जो इलाके के जो लोग हैं उनका जमावड़ा लग गया है उनके घरों में। ये सामने जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उनके घर की है, और ये सिवपुर का वो इलाका है जो आसपास के जो लोग हैं, जो बचपन से उन्हें जानते हैं, रिश्तेदार हैं, वो सभी इस समय उनके घर में हैं और पूरी जानकारी ले रहे हैं कि किस तरीके से चीजें हुई हैं। जो परिवार है उसका ढांढस बंधाने के लिए लोग पहुंचे हैं। कुछ परिवार के कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि जो उनके जो शव को पार्थिव शरीर को लेके जो बात की जा रही है फिलहाल कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि कब तक वो पार्थिव शरीर पहुंचेगा। सेना की ओर से भी पूरी जानकारी नहीं मिली है। उनके चाचा हैं गौतम कुमार के, उनसे ही बात कर लेते हैं। अंकल, कब तक वो गौतम कुमार का जो पार्थिव शरीर है, क्या कुछ जानकारी आपकी सेना की ओर से मिली? नहीं, हमें उसके बारे में पता नहीं है। उसमें हमसे ये बोला गया है कि ऐसा करो कि आप लोग आओ और पहचानो और अपनी बॉडी को उठा के ले जाओ, ये बोल रहे हैं। अब ऐसा है कि वहाँ पर जाने में समस्या भी होगी। अब समस्या समाधान के लिए जा रखे हैं हमारे इसमें कौड़िया में जा रखे हैं, कौड़िया में एक हमारा फौजी रिटायर है वो जा रखा है, उनके भाई जा रखे हैं दो, वो कौड़िया जा रखे हैं, उनको वहाँ बुला रखा है। तो वहाँ से बोला था कि एम्बुलेंस आएगी और उसमें बैठ के हमारे साथ चलो और तुम्हें पुंछ भी जाना पड़ेगा। अच्छा, अभी यानी कि कन्फर्म नहीं है कि कब तक? कन्फर्म नहीं है। परिवार में कौन कौन लोग हैं इनके? परिवार में उनकी माताजी हैं, एक उनका बड़ा भाई है, और माताजी तो होती है, वो तो माताजी की कंडीशन तो होगी कि उनका बेटा चला गया, वो तो होनी होनी है। और यहाँ से जाने वाला कौन है? उनका एक बड़ा भाई है, परिवार को भी संभालना है, तो जो रिश्तेदार जैसे हम ही चाचा हैं उनके, या और अन्यथा मतलब परिवार के आदमी है वो ही जा सकते हैं उनके साथ में। तो हमें तो जानकारी होगी नहीं, क्योंकि ऐसा ना वो हमारे दूर से थोड़ा, और जो आदमी टच में एकदम जैसे उनके भाई हैं, चचेरे भाई हैं या दूसरे चाचा के लड़के हैं, वो पहचान सकते हैं कि हाँ उनकी शरीर ये है। यानी कि पहचान अभी तक फिलहाल नहीं हो पाई है वहाँ पे, नहीं हो पाई है, जिसलिए कि वहाँ से कहा जा रहा है कि आप आकर के अपनी बॉडी को पहचानो, क्योंकि अस्वस्थ हो गई है। ग्रेनेड का मामला है, ग्रेनेड तो ग्रेनेड ही है, अब जो फौजी आदमी जानता है ग्रेनेड है क्या चीज, अब सीधे आदमी तो कुछ भी बोल देगा ग्रेनेड क्या चीज है या गोली क्या है, ये मुंह से बोल सकते हैं, बाकी इनके बाद इनको पता कुछ नहीं है, जानकारी नहीं है। यानी कि पहचान जब हो जाएगी उसके बाद ही जो शरीर है वो हवाले किया जाए। सुनने में आया कि जो शादी है अभी 6 महीने पहले ही सगाई हुई थी और शादी अब होने वाली थी मार्च में। हाँ, 11 मार्च को उनकी शादी थी, बारात जानी थी यहाँ से, और शादी का जो है यहाँ से जो मतलब जो होता है शादी की तैयारियां वो चल रही थी, और पिछले हफ्ते छुट्टी काटेगा शनिवार को। ठीक है, शनिवार को यहाँ से भाई छोड़ने गए थे। करते रहिए, विस्तार से आपने जानकारी भी दी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अनुपम भारद्वाज। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, कभी में जाइएगा, खबरों का सिलसिला जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।